हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और इस बड़ी खबर पर आगे आपको अपडेट करते रहेंगे। इस बीच चुनाव धमाका में बड़ी खबर कोलकाता से है, जहां इस वक्त गांधी मूर्ति के करीब ममता बैनर्जी धरने पर बैठी हैं। लेकिन इस धरने पर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ममता के धरने वाली जगह पर विवाद हो गया है। जिस जगह पर ममता धरना दे रही है वो आर्मी के अधिकार क्षेत्र में आता है। टीएमसी ने धरने के लिए आर्मी से एनओसी मांगा था। सेना टीएमसी की अर्जी पर विचार कर रही थी, फैसले का इंतजार था, लेकिन उससे पहले ही ममता धरने पर बैठ गई, यानी बिना आर्मी की मंजूरी के उन्होंने धरना शुरू कर दिया। सीएम ममता बैनर्जी बीते 3 घंटे से धरने पर बैठी हैं। ममता कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास धरना दे रही हैं। चुनाव आयोग ने ममता के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे की पाबंदी लगाई है और उन पर यह कार्रवाई मुस्लिम वोटर्स और सीआरपीएफ के घेराव वाले बयान को लेकर की गई है। लेकिन चुनाव आयोग के फैसले से ममता भड़क गई हैं और वो इस फैसले के खिलाफ धरने पर बैठ गई हैं। चुनाव आयोग के एक्शन को टीएमसी ने लोकतंत्र का ब्लैक डे बताया। ममता बैनर्जी जिस जगह पर धरने पर बैठी हैं, वहां वो बैठे बैठे पेंटिंग्स भी बना रही हैं और ममता ने अपनी बनाई हुई पेंटिंग मीडिया के कैमरे पर भी दिखाई है। ममता बैनर्जी अक्सर पेंटिंग बनाती रहती हैं और उनकी कुछ पेंटिंग्स की महंगे दाम पर नीलामी पर भी पहले विवाद हो चुके हैं। मनीष भट्टाचार्य संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, यहाँ सवाल अब उस एनओसी को लेकर भी उठाया जा रहा है कि परमिशन ही नहीं थी धरना देने की ममता के पास, तब भी वो बैठ गई। देखिए बिल्कुल, ये जो जगह है वो आर्मी का इलाका आता है और मैं आपको बताऊं सुरभि, जब इससे पहले भी जब ममता बनर्जी ने सबसे पहला व्हीलचेयर पे रोड शो किया था तो गांधी सर्किल से ही किया था। हालांकि कुछ देर पहले जो टीएमसी की सांसद हैं डोला सेन, उनसे हमने बातचीत की, उनसे सवाल भी यही पूछा था कि अभी तक के कोई भी एनओसी आर्मी के तरफ से नहीं मिली है, आप लोगों ने एनओसी मांगी थी, तो उनका जवाब ये था कि हमारे पास पुलिस स्टेशन से लेकर आर्मी तक सभी चीज़ों की एनओसी हमारे पास है, उसकी कॉपी हमारे पास मौजूद है, अगर हम एनओसी ना लेते तो शायद ये धरना ना होता। बहरहाल सवाल तमाम उठ रहे हैं, लेकिन अभी ममता बनर्जी यहाँ पर बैठी हुई हैं गांधी सर्किल पे और लगभग 3 घंटे का वक्त हो चुका है और अभी ये धरना चलता रहेगा और 8:15 उनका 1:12 में सभा है और उसके बाद विधाननगर में सभा करेंगी ममता बनर्जी। सवाल ये उठता है कि इस धरने से ममता बनर्जी क्या अपने राजनीतिक मकसद को साध पा रही, क्या अपने वोटरों तक अपनी आवाज पहुंचा पा रही बिना कुछ बोले? मनीष, क्या ममता बनर्जी अपना मकसद साध पा रही हैं इस धरने पर बैठकर? क्या वो अपने वोटरों तक बिना कुछ बोले पहुंच पा रही हैं? क्या इसका फायदा उन्हें मिल रहा है? देखिए अजय जी, इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो आप समझ सकेंगे ममता बनर्जी अकेले बैठी हुई है इस गांधी सर्किल पर और उन्होंने काला मास्क और काला एक दुपट्टा ओढ़ रखा हुआ है। एक सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और ये मैसेज देना चाह रही हैं कि पूरी एक चुनावी सिस्टम एक तरफ और ममता बनर्जी एक तरफ, और यही वजह है कि जो उनके तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं उनको देखने के लिए, उनसे हम बातचीत भी कर रहे हैं। तो महिलाओं का ये कहना है कि अत्याचार है ममता के ऊपर और अत्याचार के विरोध में ही ममता बनर्जी यहाँ पर बैठी हुई है और उनके समर्थन में तमाम टीएमसी के कार्यकर्ता यहां पर आए हुए हैं। जिस जगह पर हम मौजूद हैं उस जगह पर ममता बनर्जी लगातार पेंटिंग कर रही हैं, मोबाइल अपना देख रही हैं, लगातार ट्वीट कर रही हैं और सांकेतिक रूप से एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि मैं तमाम वो सिस्टम जो मेरे खिलाफ है उन तमाम सिस्टम के खिलाफ मैं अकेले लड़ रही हूं। बिल्कुल, और ये संदेश अपने आप में बड़ा मजबूत है। मनीष, बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। ममता बनर्जी लगातार ये संदेश अपने तमाम वोट बैंक तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं कि कैसे चुनाव आयोग, उसके साथ साथ केंद्र सरकार, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। वो अपने आप को एक विक्टिम के तौर पर प्रस्तुत कर रही हैं और हमने देखा है चुनाव में इसका बड़ा फायदा हो। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।